हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। मैंने घर पे ही तो बूंदी बनाई है और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, झटपट बनने वाला है। बाज़ार से आपको बूंदी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से घर पे बनाइए बिल्कुल शुद्ध। तो ये देखिए, सबसे पहले ले लिया मैंने दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है रई से। ये देखिए, ये बेसन, और बेसन मैंने 4 चम्मच लिया है। मैं थोड़ी सी बूंदी बना रही, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं बूंदी को अच्छे से, सॉरी बेसन को मैं अच्छे से घोल लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी एकदम, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला, जिस तरह से हम लुक्केट वगैरह होता है ना, बस उसी तरह से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले अच्छे से हम इसको फैट लेंगे, क्योंकि फैटने से क्या है, इसमें जो भी मतलब लम्स वगैरह होंगे तो अच्छे से एकदम मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसका बैटर रखना है एकदम बिल्कुल, जैसे लिक्विड वगैरह होता है ना, बस उसी तरह से रखना है आपको, इसी तरह का बैटर रखना है। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा मतलब पानी वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट बन जाती है बूंदी हमारी, और एकदम सिंपल तरीके से बनती है। ना मैंने इसमें नमक डाला है ना ऑयल डाला है। तो आप भी प्लीज़ नमक और ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको करना है तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। तो ये देखिए, मैंने रख दिया एक साइड, और साथ में ले लिए ये कड़छी। मैं इसी से आज बूंदी बनाऊंगी। तो ये देखिए, रख दिया है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कड़छी को पकड़ लिया है। फिर उसके बाद मैंने, ये देखिए, मेरा बैटर बस इस तरह से थिक रखना है, ना ज़्यादा आपको पतला रखना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो ये देखिए, हमारी मतलब बैटर तैयार है। तो हम अब मेरा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसी में रख दिया कलछी, और इसी पर डाल दूँगी मैं अच्छे से बूंदी। तो ये देखिए, बूंदी अपने आप निकल रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। और बच्चे को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया है, तो उसने मोबाइल पकड़ लिया है, तो एक हाथ से हो नहीं पाता। तो मैं, ये देखिए, बस आपको इस तरह से एक उंगली से हिलाना है, इससे क्या है, अच्छे से बूंदी हमारी एकदम निकल जाएगी, और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी बाद में। तो ये देखिए, सारी बूंदी अच्छे से हो चुकी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको बूंदी की निकाल के दिखाती। तो ये देखिए, आवाज़ सुनिए आ रही है ना, एकदम कुरकुरी बिल्कुल बूंदी। तो ये देखिए, सबसे पहले अब इसमें रख देंगे हम अच्छे से इसको, दही में डिप कर दिया है। दही में डालने से क्या है, अच्छे से फूल जाएगी, और तो हमारा क्या है, बूंदी का रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो फिर से बता दूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्ची सूखी, एक हरी मिर्ची, जीरा, आप चाहो तो थोड़ी हींग भी डाल सकते, लेकिन मेरे पास हींग है नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है। तो आप प्लीज़ हींग डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बन के रेडी हो जाती है, और इतनी अच्छी बनती है कि आप भी यकीन करोगे। तो देखिए, उसी में डाल दिया है मैंने, अच्छे से छौंक दे दिया है। तो ये देखिए, रायता हमारा बन के एकदम रेडी हो चुका है। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा रायता खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं। सिंपल तरीके से बनाए, एकदम घर की, बिल्कुल घर के सामान से बनाए, हमें बाज़ार से कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्लीज़ आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रायता कैसा लगा। तो ये देखिए, साथ में मैंने डाल दूँगी हरे धनिया। तो ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर वगैरह एकदम आया है कि नहीं, बिल्कुल बहुत ही प्यारा कलर। साथ में डाल दूँगी मैं ब्लैक नमक, क्योंकि मैं और दूसरा नमक अभी नहीं डाल रही, क्योंकि रायता हमारा खट्टा हो जाएगा ना, तो मैं बाद में डालूँगी। तो ये डाल दिया है, साथ में मैंने जीरा पिसा हुआ भूज के, और साथ में डाल दी हरी धनिया। तो ये देखिए, कितना अच्छा कलर आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ आप भी इस तरह से बनाइए, और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपको आज का रायते की रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा रायता हो चुका है रेडी, तो लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बना है, कुछ भी नहीं डला इसमें, और घर की बूंदी एकदम बहुत ही टेस्टी।